हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है, लेनोवो आइडिया पैड। ये 330 मॉडल होता है 15 IS के। बात करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज ये मशीन बहुत अच्छी होती है और लेनोवो की मशीन भी बहुत बिकी है। लेनोवो आइडिया पैड 300 सीरीज हम इसको बोल सकते हैं, 330 भी आता है, 320 भी आता है, 310 भी मॉडल आता था इसके। तो 300 सीरीज इसकी यदि हम बात करें लेनोवो आइडिया पैड की, तो बहुत अच्छी सीरीज होती है ये और चला भी बहुत अच्छा है ये लैपटॉप। इसमें इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम देखते हैं, जो हम इसकी बात करें, शुरुआत करते हैं हम इसकी प्रॉब्लम से कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। इसमें मेन प्रॉब्लम आती है इसकी बॉडी ब्रेक होती है, वो भी इतनी नहीं आती जितनी और लैपटॉप और मॉडल के मुकाबले आती है। इसके कीबोर्ड की बात करें, थोड़ा कीबोर्ड में भी इसके प्रॉब्लम आती है, पर वो भी वही है कि एक साल बाद दो साल बाद आती है पर इसमें प्रॉब्लम। बैटरी की बात करें तो बैटरी भी बहुत अच्छी होती है। परफॉर्मेंस वाइज इसमें क्या होता है कि इन्होंने SSD नहीं दी है, जिस वजह से ये इसमें थोड़ी सी स्लो की प्रॉब्लम आती है। जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा स्लो रहता है, तो इसमें थोड़ा सा यही है। और ओवरऑल हम यदि इसकी बात करें तो मशीन बड़ी अच्छी होती है, यूज के लिए भी बड़ी अच्छी होती है, लाइफ भी इसकी अच्छी है और इतनी जल्दी इसमें मदरबोर्ड वगैरह की भी प्रॉब्लम हमने नहीं देखी है अपने एक्सपीरियंस से रिपेयरिंग के हम बता रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। हम अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे इस लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम इसकी प्रॉब्लम की बात करें, वही स्लो वाली प्रॉब्लम में ये मशीन हमारे पास आई है। कस्टमर ने बताया कि कोई फाइल खोलते हैं जैसा, तो हमने आप सपोज करो कि कोई वर्ड एक्सेल की फाइल खोल रहे हो, उस पर क्लिक करते हैं तो ये घूमता रहता है, मशीन नॉट रेस्पॉन्डिंग में चली जाती है। इस टाइप की इसमें प्रॉब्लम आती है, तो वही प्रॉब्लम के लिए इसकी समस्या का समाधान यदि हम आपको बताएं तो इसकी समस्या का समाधान SSD होता है। हार्ड डिस्क की जगह SSD लगेगी इसमें। और इन्होंने एक और गलती की हुई है, i3 6 या 7 जनरेशन होती है, जो 6-7 जनरेशन की मशीन आती है उनमें स्लॉट होता है M.2 का, पर इसमें इस मॉडल में नहीं दिया गया है। पर हम फिर भी एक बार चेक करते हैं कि इसमें M.2 का स्लॉट है या हम इसमें साटा लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा है कितनी लेट खुला है, उसके अब हम आगे बढ़ के आपको SSD लगा के भी इसका परफॉर्मेंस क्या आप वो करोगे तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है यदि हम कंपेयर करते हैं तो SSD वर्सेस हार्ड डिस्क। तो इसको सबसे पहले हम खोलते हैं, खोल के हम इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से तो इसमें SSD का M.2 का स्लॉट नहीं होता है, इसमें हमें साटा ही लगानी पड़ेगी। अदरवाइज इसमें स्लॉट होगा तो फिर हार्ड डिस्क के साथ हमारी SSD लग जाएगी, हमें DVD बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। अदरवाइज ये नहीं होता है तो हमें हार्ड डिस्क को हटा के DVD की जगह लाना पड़ेगा और जो हार्ड डिस्क निकलेगी उसकी जगह हमें SSD को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वही हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सारे स्क्रू खोल लेंगे, खोलने के बाद हमारा ये नीचे का बेस निकल जाता है, ये हमारा इसका DVD है। इस DVD की जगह कैडी लगाएंगे यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर इसका ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। ओहो, कितनी गंदगी इसमें हो रखी है। हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको सलाह देते हैं, जब हमारा लैपटॉप इतना गंदा या हम धूल मिट्टी के एरिया में इसको यूज करते हैं तो हमें क्लीनिंग कराते लेनी चाहिए। हर साल 6 महीने हमें लैपटॉप की साफ सफाई करा लेनी चाहिए। आप देखो कितना बुरा हाल हो रखा है इस लैपटॉप का। और तो हम इसमें M.2 की बात कर रहे थे, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। इसमें M.2 का कहीं पे स्लॉट नहीं है, तो हमें हार्ड डिस्क निकाल के SSD लगानी पड़ेगी और जो हमारी हार्ड डिस्क निकलेगी वो DVD में आ जाएगी और DVD हमारा इसमें से हट जाएगा। तो हम चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी साफ सफाई करेंगे क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा है ये लैपटॉप हमारा। तो ये आप देखोगे हमने पूरा क्लीन कर दिया है इसको, ये पूरा क्लीन हो गया है। तो इसके बाद हम करते हैं इसमें SSD चेंज। ये SSD है, हार्ड डिस्क है हमारी, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये इसकी इसमें SSD लगी, जो भी हार्ड डिस्क लगी है, 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। थोड़ा सा बस यही इसका वीक पॉइंट है कि ये स्लो है और दूसरा इन्होंने SSD के लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हमें हार्ड डिस्क निकाल के ये SSD लगानी पड़ेगी। ये हम SSD इसमें लगा रहे हैं, 240 GB का क्रूशियल कंपनी का SSD इसमें हम लगा रहे हैं।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें दिखा सकते हैं। हमने इसमें SSD सॉरी फिट कर दी है हार्ड डिस्क की जगह, और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो DVD में आएगी, DVD हमारा बाहर निकल जाएगा। इससे हम करते हैं क्या, अब हम इसको पैक कर देते हैं 2 स्क्रू पे। पूरा हम इसको पैक नहीं करेंगे, उसके बाद हम इसमें विंडो वगैरह इंस्टॉल करने के बाद आपको कंप्लीट वीडियो करके दिखाएंगे कि फिर आप स्पीड का, आप इसी वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अपना ये कर सकते हैं कि कंपैरिजन कि हार्ड डिस्क पे हमारा कितनी देर में ऑन होता था और अब कितना। ये हमारा विंडोज का लास्ट मोमेंट चल रहा है, जो ये हमारी विंडो रेडी होगी है डल के, फिर हम आपको इसको रिस्टार्ट करके दिखाएंगे कि कितना सुपर फास्ट हो जाता है हमारा लैपटॉप। पूरा सुपर फास्ट हो जाता है कि आपका, जहाँ मान के चलो कि 1 मिनट लेता है ओपन होने में, ये आपका 10 या 15 सेकंड में ओपन हो जाता है। कोई फाइल खोलने में जैसा नॉट रेस्पॉन्डिंग करता है तो ये आपकी फाइल तुरंत के तुरंत सेकंडों में आपके सामने खोल देता है। तो इस प्रकार ये लैपटॉप, यदि आप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, स्लो की प्रॉब्लम आ रही हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स आपको बहुत ही सही सजेशन देंगे, आपको गलत सजेशन कभी नहीं देंगे। जो भी होगा जेन्युइन चीज बताते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई हो गया या कुछ वैसी प्रॉब्लम आ गई, इस टाइप का कोई काम नहीं करते। सजेशन 1 नंबर देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब हम इसको एक बार इसी वीडियो से आपको दिखाएंगे कि रीस्टार्ट करके हमारी मशीन कितनी देर बाद रीस्टार्ट में कितना टाइम लेती है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मशीन कितनी जल्दी कितनी स्पीड से ये रीस्टार्ट होती है। हमने इसमें रीस्टार्ट कर दिया है, हम देखते हैं कि कितनी देर बाद ये हमारी, मैं मानता हूं कि यदि हम नॉर्मल हार्ड डिस्क की बात करें तो कम से कम भी 2 से 3 मिनट लेगी, और ये हम इसमें बात करें कि SSD में तो कितना टाइम लेगी, कम से कम भी 45 सेकंड में ये हमारी विंडो दोबारा से रीस्टार्ट होकर रेडी हो जाएगी। तो इस प्रकार SSD लगा के हमारी 10 टाइम फास्टर, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ, ज्यादा हो जाए तो कहते नहीं है, पर 10 टाइम तो आपकी फास्टर मशीन हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।